नमस्ते। जम्मू परिवर्तन देखा तो उस तो मैं तुंदा अपना प्रापर शिव विराल। अखनूर बच्च अजकल कुछ ऐसे गल्लां सामने आ दियां जिन्हें सुनिए बंदे परेशानी ते चंबा दोने होना बिल्कुल गल लाजमी है। ये चेहरा जेड़ा बेवाकी कने लोके सामने बोलदा चेहरा मैं आज फिर एक बार तुंदे सामने कर दिया। साढ़े कने पोलिटिकल एक्टिविस्ट रितेश गुप्ता होर न जेहड़े आए दिने बुलंद आवाज करते हैं लोगों दी लोगों समस्या को उजागर करते और राजनीतिक जिन्हें गहन पकड़ है। मगर अज एक ऐसा हादसा उनके कने पेश आई चुका है जिस हादसे की बयान करना साढ़ा बिल्कुल दायित्व हा। अस उंदे पर हमला आखचै उनेंगी धमकाने की कोशिश आखचै जां उनेंगी डराइयै चुप कराने की एक गल सारी अस उंदे के मुँह पर जानगे। रितेश जी सारे अखनूर की पता लगी चुका कि राती तुंदे घर कोई अज्ञात व्यक्ति ने जिहड़ा है झांकी मारी है कुछ अप्रिय घटना करने की कोशिश की। तुसें के लगता कि कुछ ऐसा हो गया कि तुस जिहड़ा लोकें की आवाज़ चुकदे हे जां कोई राजनीतिक गतिविधियों के लिए तो खिलाफतां करदे हे क्या तुसें उहदा भुगतान लभदा कि इहदे विच कुछ ऐसी वैसी अप्रिय घटना हो सकदी? शुक्रिया बैरागी जी। कल राती की होया वह बयान करने को पहले मैं तुसें चार पाँच महीने पिछे लेना तकरीबन अगस्त या सितंबर का महीना हा जिहड़ा इंसीडेंट मेरे कने कल राती होया सेम अगस्त या सितंबर के महीने च भी होया लेकिन अदू मैं आई गई करी उड़ी मैं शरारत समझी। पहले मैं तुसें वह इंसीडेंट समझाना वह सुनाना चाहना फिर मैं तुसें कल राती की घटना सुनाना। अगस्त दस या सितंबर का महीना मैं एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मैं लाइटली लैती ही गल। मेरी बेटियों के पेपर है ते मेरी मिसिज उन्हें पढ़ा दी ते मैं उन्हें आखिया तुस उन्हें अपने कमरे च सवालो मैं सामने जिहड़ा मेरे मदर का कमरा मैं अपने बेटे लिए उधर आई है मैं उधर सोना। अनफॉर्चुनेटली अस रोज के करदे गेट लॉक करदे उस दिन गेट नहीं लॉक करी पाए चेता नहीं रहा ते मैं दूजे कमरे च आई आ तकरीबन राती दा एक या सवा एक बजे दा मैं अगस्त सितंबर की गल करा वा एक अज्ञात व्यक्ति गेट खोलिए एंटर करता मेरे रूम च शीशे चा अंदर झांकी मारता जिस कमरे च मैं नहीं सुते दा सामने वाले कमरे च अंदर झांकी मारता ते मेरी मिसिज ने बच्चे क्योंकि सवेरे पेपर हा पढ़ाई पढ़ी जल्दी सवाली उड़िया तो मिसिज जागी दी मिसिज की झलक पई मिसिज ने पूछा मिसिज ने सोचा मेरे ब्रदर आए क्योंकि वो कई बार देर रात लेट आते 11-12 बजे पूछा उनका नाम रिंटू मेरी मिसिज ने आखिया रिंटू भैया तुसो वह अज्ञात व्यक्ति है नहीं बोलिया शीशे के पिछे हुई है। मेरी मिसिज ने फिर पूछा मेरे बेटे का नाम लिता आरव तुंदे कोला क्योंकि उनकी आदत है मेरे रूम च आते आरव कहीं खेडते फिर चली जाते अपने रूम च वो फिर नहीं बोलिया तो मेरी मिसिज ने लाइट बंद की लेटी उन्हें क्या किया फिर जाली का दरवाज़ा खोलिया अंदर झांकना शुरू कर लिया मिसिज की फिर झलक उदे पर पई मिसिज समझी कि मामला गड़बड़ है दाल च किश काला मेरी मिसिज उठी फटाफट क्योंकि अंदर अस चिटकनियां लाने की जरूरत क्या है अस अखनूर के पौश एरिए सब तो पुराने महल च रोने है कि चौगान महला कश्मीरी महला मियाँ मंडी आर्य समाज हो गए पुराने इतने ऐसा कदम ऐसे जिंदगी नहीं मैं सोच सकता। मेरी मिसिज ने जोरिए दरवाजा बंद किया चलाना शुरू कर चोर 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 वो चोर हा या कोई कौन हा हमलावर हा मैं ये क्लीयर नहीं है वह निकली है मैं नहीं उसी दिखी पाया लेकिन मी मेरी मिसिज की आवाज़ आई एसी लगे दा चोर चोर तो नहीं सोचा मी लगे चलाने की आवाज़ आ दी मी लगे मेरी मिसिज ने कोई सपना दिख लिया कोई बुरा तो वह डरी गई है। मैं मिसिज के कमरे वाली बखी दौड़िया जब मैं मिसिज के कमरे वाली बखी दौड़िया सामने जरा चोर आखी लो या हमलावर आखी लो वो गेट क्रॉस कर चुके था मैं नहीं उसी दिखा मैं मिसिज ही पूछा मैं क्यों होया मिसिज इन्नी डरी दी हड़बड़ाई दी हड़बड़ाहट च हो हा कर बई मैं पूछा दोबारा जोर पाइए क्यों होया उन्हें आखिया चोर जी मेरी मिसिज ने चोर आखिया मैं गेट वाली बक्की लपकिया मैं लैफ्ट वाली गली च भी दौड़िया मैं राइट वाली गली च भी दौड़िया मैं कोई नहीं लभा मैं वापस आया मैं आई गई करी उड़िया मैं आखिया कुछ ने ड्रिंक की उन्हें गलती करे सा गेट खुला रही गया झांकियाँ मारा दा हा कोई गल नहीं है मेरे बच्चे सहम ही गए रोआ दे मैं गेट बंद किया लॉक किया सवाली उड़िया। लेकिन वो कोला ठीक दो दिन पहले मैं एक इंटरव्यू शायद तुहाड़े गै चैनल पर दिता हा वो एंटी पीपल पॉलिसीज पर हाँ वो मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है मैं एंटी पीपल पॉलिसीज जल्द कोई गवर्नमेंट दी आदि मैं उधर बोलना होना तो दो दिन पहले मैं तुसें शायद इंटरव्यू दिना दो दिन बाद मेरे घर ये इंसीडेंट हो जिसमें मैं आया गया करूँ ना उस वे टाइम हाँ राती दा एक दू सवा एक कल राती फिर सेम चीज़ हुई अस कुदे बाहर डिनर पर गए थे मैं अपनी फैमिली डिनर पर लेइए गया हा
जल्दबाजी च मैं अंदर आई है पहले मैं बच्चे अपने बेटे के कपड़े चेंज करा दा आपू भी तो मी गेट लॉक करना कल राती फिर भुली गया सेम टाइम पर राती दे एक सवा एक मी नहीं पता सेम बंदा हा या कोई और बंदा हा और कल राती फिर ऐसा होया कि अनफॉर्चुनेटली मैं अपने रूम च नहीं सोआ दा मैं सामने वाले रूम च सोआ दा अपने बेटे लिए और उइयो बंदा या कोई और बंदा वो फिर मेरे रूम च झांकी मारा दा हा हूँ पिछले इंसीडेंट च यह है कि अगर उन्हें चोरी करनी ही वह वापस गेट चा वापस भी दोबारा आया हा अगर वह चोर हों तो उन्हें सोचना एक डेढ़ घंटे नहीं एक डेढ़ घंटे बाद आना वह दोबारा मेरे रूम च एंटर होया मतलब वो मंशा चोरी की नहीं है कुछ होर ही जो मैं हूँ निट्योर कटा कल रात भी वह मेरे रूम च झांकी मारा जबकि सामने कमरा खुले का लाबी खुली दी मेरे पिछे आले कमरे मेरा सैट खुले का उधर चोरी करी सकता आराम कने उधर नहीं गया मेरे रूम च गए झांकी मारा उसी पक्की पता है कि इो रूम इतना सौंदा मतलब तुम्हें तो लगता कि जो तो लोग आवाज चुकते होते तहत उनकी जान की आज भैया फिर मैं दो या तीन दिन पहले तो इंटरव्यू दिता फिर यह होगा मैं तो कोरिलेट करनी है ना चीज़ा जल्द मैं तुम एक गल जानने जागे उ कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो पुलिस रिपोर्ट जो सिस्टम वह मैं बाद चाहना इस बारी की होया कि मेरी बेटी कुतै टॉयलेट गई ही और जागी दी ही तो उन्हें दिख मी सनाया पापा सामने कमरे में कोई हमारे रूम में जांक रहा है मैं तू सब ऐसे ही पागल है तू तू सपने आ रहे हैं सो जा मैं कहा पापा एक बार देखो तो सही लाइट तो ऑन करो मैं थोड़ा जहा उठा या बेटी वाली साइड पर्दा थोड़ा खुले मैं लग्या कोई दिखा था मेरा दिमाग स्ट्राइक करिए सीधे चार पाँच महीने पिछले चली गया मैं रजाई छोड़ी और नंगे पैर के मैं दरवाजा खोलिया मैं उसी लपकन लगा हुई साइड लेकिन मेरा दिमाग स्ट्राइक करिए कि अगर वो कोई हथियार होगा उन्हें तो लंघाई ना मी मैं रुक गया मैं इसी मैं ललकारना थ्रेट दिना मैं ओए बोलिया ओए जी ना पिछे परतिए दिखा वो दौड़िया गेट आली बखी गेट उन्हें अगे खोली रखे था मैं समझिए कि अगर होग भी कुछ तो अंदर होना मैं अज इसी पकड़ना मैं भी वो पिछे दौड़िया मैं दौड़ते दौड़ते उसी ना उन्हें शायद हुड पाई दी जीन्स की पैंट पाई दी स्पोर्ट्स बूट पाए दौड़ते दौड़ते ना बड़ी स्पीड कर दौड़ा था 25 या 30 साल का मुड़ा था मैं जियां उहदी हुड़ दी कैप पकड़ी वह मेरे गुआंढियों का ना एक ड्रेनेज सिस्टम है उन्हें गली च ना वो थोड़ा जहा 4 इंच उची जगह ही मैं नंगे पैर मैं ठेडा लग्या मैं आवाज के 4 फुट उछली है ना जमीन के उपर मुँह के भार पिया मेरी लत्तें पर बाहें पर पेट पर खरांचा आई हैं तो मेरा जो पैर है वह लहू लुहान हुई है लेटे दे मैं असहाय हुई है मैं कुछ नहीं करी पाया मैं लेटे दे के चिलाया चोर 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 फिर भी मैं हिम्मत की उठी मैं दौड़ा उदे तक मेरी अखी का उजल हो ही चुके था ते किन्नी हास्यास्पद गल है मैं फिर मी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी पौनी है कि जो मैं मजबूर ही ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ी गवर्नमेंट पहले भी आई हैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैपेक्स के तहत साड़ी म्युनिसिपल कमेटी लगभग 7.25 करोड़ रुपया दिता जरा काउंसल से मिलता है कारपोरेशन से मिलता म्युनिसिपल कमेटी से लखा नहीं मिलते पैसे करोड़े च नहीं मिलते साढ़े पार्षद ने उस पैसे ही प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया सिर्फ क्वांटिटी बधाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो अखनूर के लोगों कोई फायदा नहीं है नुकसान है अगर अखनूर के निर्दोष चौक तुसें फवारा लगाया वो अल्पायु है रोड खुला होना वो फवारा भज्जी जाना अगर वो फवारा नहीं भज्जा वो सामने ठीक अटल प्रतीक्षालय है अगर तुसें उसी बचाना तुसें अटल प्रतीक्षालय भन्ना पौना जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी नुकसान है तुसें हरिमंदिर घाट पर तुसें कम्युनिटी हॉल का निर्माण इलीगली तरीके कने करा दे अलाटमेंट कुसी हो जगह नहीं हुई तुस फ्लड जोन उसी बना दे 20 फुट थल्ले चलिए पानी आई जाता जिद है तुं'दी तुस तां भी उसी बना उत्थे बना दे ये दरिया है ये कुसी नहीं बख्शदा जेल्लै फ्लड आया उन्हें लेई जाना उसी और उस मैदान की खूबसूरती तुसें खराब करी जित्थे दंगल होंदा है जित्थे साढ़ा दशहरा होंदा मैं बड़ी कोशिश की अपने स्तर पर उस काम ही रोका लेकिन मैं नाकामयाब हुई मी मेरे शहर के लोगों साथ नहीं दिता मेरा तुस 3.5 करोड़ की लागत कन्नै म्युनिसिपल कमेटी कंपलैक्स बना दे अखनूर के लोगों का म्युनिसिपल कमेटी कंपलैक्स का बेनीफिट सनाओ हर बार तकरीबन स्ट्रीट लाइट उड्डी दी मेरे घर के गेट के सामने एक पोल है वो पर स्ट्रीट लाइट पिछले 2 साल की उड्डी दी मेरे चौक च 4 स्ट्रीट लाइट चौकान मोहल्ला जिसी आखदे एक चला दी 3 उड्डी दी सीसीटीवी कैमरा तुहाड़े मैनीफेस्टो बिच है सारे 13-13 पार्षद जिहड़े मर्जी पार्टी की टिकट पर जित्ते मी कोई लैना देना नहीं है सारे आखिया अस जित गए अस सीसीटीवी कैमरा लगवागे किन्ने पैसे लगी जाने तुसे नहीं लगवाए तुसे स्ट्रीट लाइटा नहीं ठीक कीतियां तुसे ऐसे पैसे ऐसे ऐसी जगह पैसे खुर्द बुद करी ओड़े जो दी कोई जरूरत नहीं आई मैं तुंदे माध्यम कन्ने इन्हें माननीय पार्षदें ही अपील भी करना चाहना वार्निंग भी देना चाहना हुण तुंदा टाइम जड़ा खत्म होने वाला 4 या 5 या 6 महीने रही है तुसें दोबारा अगर चुनाव लड़ना है सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करो स्ट्रीट लाइट्स ठीक करो क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जदों दी आर्टिकल 370 टुटी दी है मैं बोलना नहीं चाहिए मैं मजबूर हाँ जी क्योंकि मेरे कने बीती दी है
मैं बड़ा इमोशनल आज जदों दी धारा 370 टुटी दी है साड़ी स्टेट च पिछले 20-30 साल च इन्नी बलात्कार इन्नी चेन स्नैचिंग इन्निया चोरी इन्नी वारदातां नहीं होईयां जिन्नियां पिछले 2 साल च होई हैं। अस लोग असुरक्षित आ, इन्ने बाहरी प्रदेश दे लोग इत्थे आई गेदे न, अस लोग असुरक्षित आ। उंदी वेरीफिकेशन करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ही, अखनूर एडमिनिस्ट्रेशन ही, पुलिस डिपार्टमेंट से। अगर वो अखनूर दे विच रोआ दे न, कुंदे घर रोआ दे न, मकान मालक के कोला उंदा बायोडाटा मंगवाना चाहिए, उंदे आधार कार्ड पैन कार्ड मंगवाने चाहिए। पिछले दिन मंगवाया उन्होंने सारा मंगवाया, अगर मंगवाया तो बड़ी अच्छी गल है। लेकिन ये वारदात वधिया आ रही, मेरे कने 2 बारी हो ही चुके, और मी लगता है पोलिटिकल मेरे पर एक पोलिटिकल अटैक है, मी चुप कराने की या मी थ्रैट है या मी डराने की कोशिश होआ दी है। मैं फिर तुंदे माध्यम कने रिपीट करना, मैं कुसे पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना गै मेरी कोई पार्टी है, मैं सारी पार्टियां दा, मेरे लोग मेरी पार्टी। अगर कुछ गलत होग मैं आवाज़ चुकते रहनी है, लेकिन इस तरीके कने तुस मी चुप नहीं कराई सकते। मैं जान देने तैयार हाँ, लेकिन मैं चुप नहीं हो सकता। जी पुलिस को गए तुस जी, के रिस्पांस? मैं एप्लीकेशन लेके गया, एप्लीकेशन तो लिखानी पड़ती है, उतना ना SHO साहब है ना DSP साहब है, मुंशी साहब है, मुंशी साहब भी मैं एप्लीकेशन हैंड ओवर करी आया। मुंशी साहब ने आखिया जल्द SHO साहब फील्ड पर जल्द आते मैं थोड़े कन्नै फोन पर गल करा। मेरे ख्याल हूँ तकरीबन 3 घंटे हुए, मैं अजे तक कोई फोन नहीं आया। एज ऑफ नाउ मी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफा कोई सहयोग नहीं है, मैं उन्हें पूरा सहयोग करने तैयार हाँ। अज मेरे कन्ने होया मी नहीं पता, मैं आपे कन्फ्यूज हाँ, दैट इज अटैक है, वह अटैम्प्ट टू अटैक है या अटैम्प्ट टू थैफ्ट है। लेकिन जो भी है, एक रसदे बसदे म्हल्ले च अस लोग सेफ नहीं है, तो फिर असें कुत्थे सेफ होना? ये साड़ी अखनूर एडमिनिस्ट्रेशन ही दिखना पौना है, डंडे दे जोर पर अखनूर म्युनसिपल कमेटी कोला काम करवाओ, क्योंकि इन्हें पैसे खुदबूद करी उड़े। जिन्हें पैसे आए हे साड़ा अखनूर शहर च, मतलब एक मॉडल टोन दी एग्जांपल साढ़े पार्षद सेट कर सकदे, जो दे चने इंटरेस्ट नहीं लेता जी। में एक बड़ी गै दहशत वाली खबर है, क्योंकि एक आम बंदा जिल्ला अपने घर बच गए इस वेले सुरक्षित नहीं महसूस करोग, तो फिर वह बंदा कुत्थे जाओ? नगाही चीज CCTV कैमरे जेडे एक जरूरत बन चुके दिन, क्योंकि आए दिन कुदै ऐसी अप्रिय घटना की जड़ी गल्ला सामने आदियां, मगर ना जाने क्यों इस जरूरी चीज़ की छोड़िए बाकी कम्मे दे पिछे जड़े अखनूर म्युनसिपलिटी वाले दे अधिकारी दे पार्षद पे, क्योंकि जेड़े इस वेले दा वक्त आ चुके दा सुरक्षा ते रोई बखरी गल कि क्या होना क्या नहीं। हाँ, अगर कोई वारदात होई जांदी ते उस वारदात की तुसे पकड़ना किन्ना, एक मात्र सहारा हुंदा CCTV कैमरे, जेदे वायदे उन्हें इलैक्शन दे दौर उपर कीते हे, मगर अज तक जेड़े वो अपने वायदे पर कामयाब नहीं हो सके। तो जुड़ो रहो जम्मू परिवर्तन ने, कैमरा अनुभव शर्मा ने, शिव विरागी, जय हिंद जय भारत।